इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के पार्थ हरी सरकार, सीईओ हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। आपको बता दें कंपनी के नतीजे आए, बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं, मुनाफा 3 गुना बढ़ा है। मिस्टर सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, ब्रेक्सिट एक बड़ा चिंता का विषय है, आपका कारोबार यूके यूएस दोनों में ही है, कितना बड़ा डिमांड को क्या ये डैमेज कर सकता है, क्या दिख रहा है आगे के लिए? देखिए, यूके से अपना बिजनेस जो है वो करीब 10% के आसपास है, तो उसमें हमें ब्रेक्सिट का ज्यादा फर्क नहीं होगी। जो अब वो सारे बिजनेस जो है वो ऑनशोर बिजनेसेस है, तो इसमें इंपैक्ट जो है वो सिर्फ वो फॉरेन एक्सचेंज जो वजह से हुआ है, तो जीबीसी जो है वो थोड़ा कम हो गया, उसीलिए उसका इंपैक्ट आया है अपना नंबर्स पे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो रेवेन्यू है वो 10% है, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, एक और सवाल यहाँ पर, आपके एक्सपेंशंस का क्या प्लान है? आप मैसूरू में और सीट्स ऐड करने की योजना बना रहे थे, साथ ही आपने यूके में भी हायरिंग बढ़ाने की योजना बनाई थी, तो इन दोनों फ्रंट पर क्या चल रहा है और ओवरऑल पूरे साल के लिए क्या एक्सपेंशन प्लान है? आपने कहा मैसूर में तो हम लोग दे रहे हैं, करीब 200-300 लोग वहाँ पे लेंगे, और अभी क्वार्टर वन में हमने 3 सेंटर खोले हैं, किंगस्टन जमैका में एक खुले हैं, बैंगलोर में एक खुले हैं, चेन्नई में भी एक खुले हैं, अभी प्रेस्टन जो अपना यूके में साइट है वहाँ पे भी हमने टेम्पररी एक साइट खोले हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ सीजनल डिमांड्स हैं, और आगे वाले क्वार्टर्स के लिए फिलीपींस में शायद एक सेंटर खुलेंगे और जमैका में भी शायद और एक सेंटर खुलेगी। तो टोटल जो है अपना ग्रोथ प्लान के हिसाब से मेरे ख्याल से इस ईयर हेडकाउंट ग्रोथ होगी करीब 2,000-2,500 लोग, तो ये सारे ग्रोथ आएंगे इंडिया में आएंगे, फिलीपींस में आएंगे और जमैका में आएंगे। ऑल राइट मिस्टर सरकार, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में इतना ही, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, आगे दिखा रहे हैं आपको फ्यूचर्स एक्सप्रेस।